उत्तर भारत में जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी शोलों की गर्मी है। चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन घमासान सातवें आसमान पर है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का रणक्षेत्र है। पुरुलिया में ममता बनर्जी रैली कर रही हैं, तो वहीं मिदनापुर के मैदान में शुभेंदु अधिकारी का मोर्चा है। दोपहर होते होते आज बंगाल में उबाल आना तय। दादा की जमीन, दीदी का दंगल। আমি আজকেও এসেছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021 জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন, নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। নন্দীগ্রাম কা সংগ্রাম, বঙ্গাল কা মুকাম। আজকে সন্ধ্যা বেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 500,000 ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। বঙ্গাল যুদ্ধ কা সবসে রোমাঞ্চক অধ্যায়। 2 কিরদার জো তয় করেঙ্গে বঙ্গাল কি চুনাবি তকরার কা হশ্র ক্যা হোনে ওয়ালা হ্যায়। यू तो योद्धाओं की पूरी कतार है। खुद पीएम मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, बंगाल की मिट्टी पानी से निकले दिलीप घोष, मुकुल रॉय जैसे नेता हैं। लेकिन जिस पर नजर होगी वो जंग ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की होगी। ऐसा यूं ही नहीं है कि ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का जोखिम भरा फैसला किया। क्या मुझे अमर का चक्कर लग नहीं जाएगा? क्या ना बोलूं तो 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসেছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021 জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন, নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে। जहाँ जहाँ शुभेंदु ललकार रहे हैं, वहीं वहीं ममता भी दहाड़ रही है। नंदीग्राम से लड़ने का फैसला तो ममता ने कर ही लिया। आज कोलकाता में उसी इलाके में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, जहाँ शुभेंदु का शो हुआ। बंगाल में आज महामंगलवार है, 3 रैलियां हैं आज और कल। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में जिस रूट से रैली निकाला था, अपना रोड शो निकाला था, जिसमें जमकर हंगामा हुआ था, आज उसी रूट पर तृणमूल कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी दक्षिण कोलकाता में। टॉलीगंज से राज बिहारी ममता बनर्जी के घर के बहुत ही करीब ये मार्च आज निकाला जाएगा। तो क्या शुभेंदु पर सीधे दावे की वजह सिर्फ बगावत का बदला है, या ममता बनर्जी सबक सिखाने के इरादे से शुभेंदु को टारगेट कर रही है? वजह सिर्फ यही नहीं, पहली वजह नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। दूसरी वजह, मकसद संदेश देना है कि ममता बनर्जी नतीजों को लेकर अंदेशे में नहीं। तीसरी वजह, शुभेंदु फैक्टर से नुकसान की भरपाई हो गई तो दक्षिण बंगाल सुरक्षित हो जाएगा। चौथी वजह, ये साबित करना है कि शुभेंदु के आरोपों में कोई दम नहीं, बीजेपी में जाना उनकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। पांचवी वजह, शुभेंदु सीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार है, तुरुप के इक्के पर हमला बीजेपी को परेशान करेगा। शुभेंदु अधिकारी इसके लिए तैयार दिखे, जोखिम भरी भविष्यवाणी उनकी तरफ से भी धड़ल्ले से हो रही है। आज के सुनना वाला घोड़ी दे टाइम दिए डेट दिए अपनारा लिखे रखून, 500,000 भोटे यदि माननीय के हाराते ना पारि আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। इसीलिए दिल थाम कर नंदीग्राम पर नजरें बनाए रखिए। नंदीग्राम की इस चुनाव में वही अहमियत है जो मोदी के लिए काशी की है, गांधी नेहरू परिवार के लिए अमेठी रायबरेली की है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।